नवी मुंबई की ताजा और तेज खबरों के लिए तेज नवी मुंबई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। विद्यार्थी आघाडीच्या प्रथम वर्धापन दिनानिमित्त कामोठे येथे प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते। देशात गंभीर प्रश्न उभे राहत आहे असे असताना जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी भाजप, आरएसएस, बजरंग दल, एक सुनियोजित कट्टर हिंदू मुस्लिम असे धार्मिक प्रश्न निर्माण करून जनतेचे लक्ष भरकटण्याचा प्रयत्न करत आहेत। परंतु देशातील जनता मूर्ख नसून समजूतदार बनत चालली आहे, त्यामुळे भाजपाच्या असल्या भूलथापांना बळी पडणार नाही असे वक्तव्य खासदार इम्तियाज जलील यांनी केले आहे। सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो एक यूनाइटेडली फाइट करने की जरूरत होती है, तो उसी इरादे से स्टूडेंट्स के इश्यूज को डिस्कस करना और साथ ही साथ जो अलग अलग इलाके से आए हुए जितने भी ऑफिस बेयरर्स हैं वो लोग एक दिन साथ में बैठ कर चर्चा करना कि आगे कौन से मुद्दों के ऊपर हमको लड़ना है, कौन से मुद्दों को रेस करना है। उस इरादे से एक एक ज़िले से दो दो तीन तीन लोगों को बुलाया गया था। अब यही लोग अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे, अपने एरिया के अंदर जाएंगे और वहाँ पे उनकी जो टीम है उनके साथ बैठकर इस कार्यक्रम को और आगे ले जाने का काम करेंगे। जैसा कुणाल खरा साहब ने बताया है कि चूँकि स्टूडेंट्स है तो आरपीआई एक बहुत बड़ा हमारे सामने एक ऐसा हथियार है जिसका अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ सकती है। राइट टू एजुकेशन, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है और सरकारी डिपार्टमेंट्स कहीं ना कहीं इसे दबाते हैं, छुपाते हैं। तो जो जिसका मकसद था आरपीआई के जरिए जो गरीब बच्चों को अच्छे स्कूल्स में पढ़ने का मौका मिले वो किस तरह से हासिल किया जा सकता है, इन इश्यूज़ के ऊपर या न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इसके ऊपर अक्सर हम सुनते तो आ रहे हैं, लेकिन क्या है ये एजुकेशन पॉलिसी, हम अगर इसको सपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करने के लिए। और हमारे प्रभाकर पारधे साहब जो हमारे पार्टी से शुरुआत के दिनों से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए, पार्टी की पॉलिसीज प्रोग्राम्स क्या है, हम पार्टी को मजबूत कैसे कर सकते हैं, इसका उन्होंने भी वर्कशॉप किया है। तो हम समझते हैं कि ये जो आज एक दिन का ये कन्वेंशन रखा गया है उससे यकीनन स्टूडेंट कम्युनिटी को बहुत इसका फायदा मिलेगा और हम चाहेंगे कि ये अलग अलग जगहों के ऊपर हर 2 महीने 3 महीने के बाद एक इसी तरह का अगर ये रहा तो नेचुरली स्टूडेंट्स के इश्यू, चाहे वो स्टूडेंट औरंगाबाद का रहने वाला हो या नागपुर का हो या मुंबई का हो, इश्यू सेम होते हैं। लेकिन अगर यूनाइटेडली अगर हम फाइट नहीं करेंगे और हमें ही इश्यूज के बारे में जानकारी नहीं रहेगी तो वो लड़ने के लिए थोड़ा सा दिक्कत जाती है। इसीलिए इस तरह के कन्वेंशन लेकर एक दिन का चर्चा सत्र डिस्कशन करके इन मुद्दों के ऊपर हम आगे जाने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट विंग का जो पहला कोकण के इस महापुरुषों की जो जिला है जिसमें बड़े बड़े महापुरुष जो यहाँ शिवाजी महाराज, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की भूमि पर हमारे इस स्टूडेंट यूनियन का पहला वर्धापन दिन आज यहाँ हुआ, मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ। और इस वर्धापन दिन के तौर पे हमारे रायगढ़ की कामोटे की ज़मीन चुनी गई जिसमें हमने स्टूडेंट विंग ने पूरे 3 महीने इस कामोटे पुलिस स्टेशन के और यहाँ के इस तरफ के लोगों को पूरे 3 महीना खाने का, अनाज का बंदोबस्त किया हुआ था। तो मैं बहुत अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ
और आने वाले कल में जो आज हमारे मेहमान इधर मौजूद हुए, हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, माजी आमदार वारिस पठान साहब, इनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आने वाले कल में इस रायगढ़ पूरे कोंकण डिवीज़न के अंदर और नवी मुंबई के अंदर स्टूडेंट विंग के एक भी ऐसे कॉलेज नहीं रहेंगे जहाँ स्टूडेंट विंग मजबूत से मजबूत होती जाएंगी और स्टूडेंट के हित के लिए, उनके फ़ीस के लिए, उनके राइट टू एजुकेशन के लिए, उनकी फ़ीस का मसला हो, जो भी मसला रहेगा स्टूडेंट विंग इस पर काम करेंगे। और आज मुझे इस पहले वर्धापन दिन के मौके पर आज मुझे पूरे महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी महासचिव बनाया गया है, इसके लिए भी मैं एम स्टूडेंट की विंग की तरफ से और इम्तियाज़ जलील साहब को बहुत बहुत शुक्रगुजार मानता हूँ। फ़ायदेमंद की के तारीख में जो भी बड़े बड़े चल रहे हैं वो स्टूडेंट ही कर रहे हैं। आज आप कन्हैया कुमार को देखो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये आज स्टूडेंट जो है स्टूडेंट यूनियन से ही एक लीडरशिप उभर के आ रही है। तो हम इंसान इम्तियाज़ जलील साहब का सोचना है कि महाराष्ट्र के अंदर स्टूडेंट यूनियन खास करके एमएम की जितनी स्ट्रांग होंगी हर ज़िले में, तो उसका आने वाले कल में हमारी पार्टी को उसका बहुत फ़ायदा होगा। यावेळी माजी आमदार वारिस पठाण, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुणाल खरात आदि मान्यवर पदाधिकारी विद्यार्थी वर्ग उपस्थित होता। कॅमेरामन प्रणित कापसेसह कविता लोखंडे, तेज नवी मुंबई।